सबको लगता है कि मेरे माध्यम से अगर लोग इलेक्शन ड्यूटी में इंजॉय कर रहे हैं और उसको खुशी से करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है सबको, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपके कारण ये चीज़ें हो रही हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। निवडणूक हा लोकशाहीचा महोत्सव समजला जातो। या महोत्सवामध्ये खरं तर राजकीय नेत्यांचं भवितव्य ठरत असतं, पण कधी कधी अशा घटना घडतात की ज्यामुळं एखादा सामान्य माणूस, सामान्य चेहराही निवडणुकीचा चेहरा बनतो। उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या रीना द्विवेदी या आपल्या हटके लुकमुळं संपूर्ण देशभरामध्ये सोशल मीडियाचं सेन्सेशन बनल्या। लिंबू कलरची साडी त्यांनी घातलेली होती आणि ही साडीच संपूर्ण देशामध्ये सोशल मीडियाचं सेन्सेशन बनली। आता मराठी किंवा महाराष्ट्रातल्या लोकांना लिंबू कलरची साडी म्हटल्यानंतर अशी ही बनवाबनवी चित्रपटाची आठवण येणं साहजिक आहे, आणि म्हणूनच रीना द्विवेदी यांना गाठण्यासाठी आम्ही थेट त्यांच्या लखनौमधल्या घरामध्ये पोहोचलेलो आहोत। रीनाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी माझा पर। चुनाव में तो आमतौर पर राजनेताओं का भविष्य तय होता है, उनको पहचान मिलती है, लेकिन एक चुनाव ने आपको पहचान दी, पीली कलर के साड़ी वाली महिला, ये पहचान आपको मिल गई, तो कैसा लगता है ये जब लोग आपको ऐसे पहचानते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको पहचान मिलती है इतने बड़े लेवल पे, जनरल सी चीज़ें होती हैं, बात जनरल सी चीज़ के लिए हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, इलेक्शन कराने के लिए जा रहे थे, किसी ने फोटो लिए, उसको वायरल किया, लोगों ने पसंद किया, मैं खुद हैरान हूँ इतने सारे लोगों ने इसे पसंद किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया की सेंसेशन जो बनी, तो वो घटना क्या थी, मतलब किसने फोटो खींचा था आपको पता है, और आपको जब रिएक्शन आने शुरू हो गई तो क्या वो वाकया था? एक्चुअली हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इलेक्शन के लिए निकल रहे थे अपने ईवीएम बाकी चीज़ों के साथ, तो मुझे बाद में पता चला तुषार राय जी हैं, उन्होंने ही ये फ़ोटो क्लिक करी थी, और बाद में मेरे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे चारों ओर से कॉल आने लगी कि आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आई है, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, लोग वायरल कर रहे हैं, तो इसी के थ्रू मुझे भी मालूम चला ये चीज़। जिन्होंने फ़ोटो खींचा था वो, उनसे आपकी कोई पहचान नहीं? नहीं नहीं, किसी कोई पहचान नहीं थी, मैं नहीं जानती, इवन उनके साथ साथ बाकी लोगों ने भी लिया, उनके फ़ोटोज़ भी एक एक करके सामने आने लगे, तो मुझे भी बाद में ही मालूम चला। आमतौर पर ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी की एक इमेज होती है और उस इमेज से ही लोग उनको देखते हैं, लेकिन इस चौकट को तोड़ने का काम आपने किया है। जब आप सरकारी नौकरी में जा रही थी तो आपको लगा था कि इस चौकट में ही रहना पड़ेगा, कपड़ों की जो पसंद है उसको थोड़ा बहुत साइड में रखना पड़ेगा, क्या आपकी भावना थी? देखिए, ये सारी चीज़ें तो हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल होती है, कैसे कौन वेयर करता है, कैसे कौन लाइफस्टाइल को जी रहा है, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, आजकल नए बच्चे आए हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक से बढ़ के एक अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, तो पहले की जो सोच थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो बहुत थका हारा होगा, लूज़ कपड़े होंगे, बिखरे बाल होंगे, जो फैशन का कोई नामो निशान उनको नॉलेज नहीं मालूम होगा, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक अच्छी फैमिली से आते हैं, मेरे फादर इन लॉ भी इसी में एक्स इंजीनियर थे, हस्बैंड भी थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जॉब करते हैं, और फिर लोगों ने इसको कैच किया, लोगों को पसंद आया, बस इतनी सी ही बात है। एक सिस्टम का इमेज तोड़ने का काम आपने लगभग किया है, तो जब आप काम कर रही थी तो आपको ऐसा लगा था कि मतलब ये बहुत मुश्किल है, क्या है, या कुछ कठिनाई आई इसमें? अब बिल्कुल नहीं, मैं तो जनरल पे में ही काम कर रही थी, वो जो गेटअप है, जो ड्रेसअप है, वो रोज़ का ही है, रोज़ का ही है, उस दिन कैच कर लिया गया, तो मेरे लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि कुछ बनावटीपन नहीं था, कुछ नया नहीं था, तो बाकी प्रतिक्रियाएं मिलने लगी, अच्छी लगी, तो ठीक है। इस बार के चुनाव में आप कौन से पोलिंग बूथ पर थी, और आपकी जो मतलब एक प्रकार से प्रसिद्धि है उसको लेकर क्या वहाँ पे मतदान में इफेक्ट दिखा? लोग कह तो रहे हैं मुझे भी मालूम चला कि वैसे हमारे यहाँ पे 80% मतदान हुआ, लखनऊ के ही गोसाईगंज में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, और वहाँ के पूरे ग्रामीण जितने भी हैं सारे मतदाता सुबह 5 बजे से ही इकट्ठे लाइन में शुरू हो गए थे, जब तक लास्ट का तो गेट पे ही खड़े रहे, फ़ोटो सेल्फी अपने रिलेशन में बताना, लोगों को दिखाना, वीडियो कॉल के थ्रू दिखाना कि मैम के यहाँ ड्यूटी लगी है, तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, कहीं ना कहीं सरप्राइज़ था मेरे लिए। पहुँची तभी लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया? हाँ, पोलिंग बूथ पहुँचने से पहले ही लोगों को मालूम चल गया था कि मैडम की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। आई थिंक स्मृति उपवन से ही लोगों ने कवरअप करना शुरू कर दिया था कि कहाँ लगी है इनकी ड्यूटी, और लोगों को मालूम चला हमारे यहाँ लगी है, तो पूरा गाँव इकट्ठा था। इस बार आपका जो आउटलुक ये है अलग था, वेस्टर्न आउटफिट था।
हाँ वेस्टर्न था, क्योंकि मैं हर तरह की ड्रेस वेयर करती हूँ, किसी एक ड्रेस कोड का मेरा नहीं है कि मैं इसी में बंधी हुई हूँ, हर तरह की जिस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो समझ में आता है मैं पहनती हूँ, फॉलो करती हूँ आज की सारी चीज़ों को। तो एक प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को भी आपने पॉपुलराइज कर दिया, तो इसका कई संज्ञान लिया है आपके जो वरिष्ठ अफसर है और जो आपके कलीग्स है, उनका क्या कहना है इस पे? सारे लोग बहुत खुश हैं, सबको लगता है कि मेरे माध्यम से अगर लोग इलेक्शन ड्यूटी में एंजॉय कर रहे हैं और उसको खुशी से करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है सबको, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपके कारण ये चीजें हो रही हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ा आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आप कहाँ से? मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, गोरखपुर के पास देवरिया जिला है, वहीं की रहने वाली हूँ, वहीं पली बढ़ी हूँ, वहीं से ग्रेजुएशन किया है। कौन से इसमें? गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हिंदी सोशियोलॉजी। अच्छा, तो वहीं से मैंने किया, फिर मैंने प्राइवेट जॉब भी कर रखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल में भी किया है कुछ साल, मारुति सुजुकी में भी मैंने किया है, देन मैं यहाँ पे ज्वाइन। सरकारी नौकरी में आप कैसे आए? सरकारी में कुछ कैजुअल्टी हुई, फिर मुझे इसमें आना पड़ा। अच्छा, मतलब घर में? हाँ घर में। तो बाकी आपकी फैमिली में कौन कौन है? बेटा है, फादर है, मदर है, सारे लोग हैं, सिस्टर ब्रदर। जब ये मतलब वाकया हुआ, आप सेंसेशन बन गए सोशल मीडिया के, उसके बाद रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आपके जो इंस्टा के फॉलोअर्स है उसमें भी काफी संख्या बढ़ गई है। हाँ अभी 3 लाख के आसपास फॉलोअर होने जा रहे हैं, तो काफी बढ़ी, इससे लोगों को पहचान बढ़ता है, लोग जानते हैं पहचानते हैं, दिन में 1,000-1,500 रिक्वेस्ट आते रहते हैं, अच्छा लगता है। आपने अभी बातों में कहा कि मतलब सरकारी कर्मचारी होकर भी अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, ये बात बहुत बहुत बड़ी है, तो इसको लेकर मतलब जो आपका रवैया है या फिटनेस को लेकर आपकी जो सोच है उसके बारे में जरा बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लूजी होगा, बीमार होगा, थका हारा होगा, नहीं, सारे लोग गवर्नमेंट में हैं, एक से बढ़ के एक अच्छे से जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि हम बहुत थके आ रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम, अपने काम को इंजॉय करना चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, किसी भी सेक्टर में इंसान को अपने काम को इंजॉय करके करना चाहिए। आपका फिटनेस मंत्र क्या है? सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं कभी भी निगेटिव चीज़ों पे नहीं ध्यान देती हूँ, निगेटिव लोगों पे नहीं ध्यान देती हूँ, मैं कभी ये भी नहीं सोचती कि लोग क्या मेरे बारे में बात करेंगे या करते होंगे। हाँ मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कायदे से करना चाहती हूँ, लाइफस्टाइल को अच्छे से जीना चाहती हूँ, तो मैं जीती हूँ बस। तो जो आपके फैंस है, हम मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उनके लिए आखिरी में आप क्या कहना? सर सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, कोई ऐसी बात ना होती हुई भी लोगों ने मुझे ऐसी पहचान दी, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज वोटिंग जरूर करते रहिएगा, अपने भी करिएगा, आसपास के लोगों से भी वोटिंग के लिए अपील करते रहिएगा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तर या होत्या रीना द्विवेदी, लिंबू कलरची साडी म्हणून ज्या फेमस आहेत, आणि ही या साडीचं आपल्या महाराष्ट्राशी एक वेगळं नातं आहे, आणि म्हणून या लिंबू कलरच्या साडीचा शोध घेत आम्ही लखनौमध्ये आलेलो होतो, आणि त्यांनी आपल्याशी बातचीत केलेली आहे, काय नेमकं सरकारी नोकरीबद्दलचं त्यांचं मत आहे आणि कशा पद्धतीनं चौकट सुद्धा त्यांनी एक प्रकारे मोडलेली आहे हे त्यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं। कॅमेरामॅन प्रवीण दीक्षितसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, लखनौ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।